सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आज के वीडियो में। तो बहनों वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हम बता दें कि शुक्रवार को होने वाली जो बैठक थी कैबिनेट में वह पूरी हो चुकी है। तो झारखंड और रांची की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। वहाँ से यह चीज़ के आकाश भी आशंका भी लगाई जा रही थी कि खुशखबरी मिलने की संभावना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय सरकार बढ़ा सकती है। इससे संबंधित जो याचिका थी, मतलब जो ज्ञापन था, वह वित्त से पारित होकर कैबिनेट विभाग पहुंच गया है। मतलब वित्त विभाग से पारित होने के बाद अब कैबिनेट में पहुंच चुका है, जिसको लेके बैठक में बातचीत होनी थी। तो बैठक में बहनों बातचीत भी हो चुकी है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे और आपकी कौन कौन सी मांगों को पूरा किया गया है इस खुशखबरी को भी हम आपको बताएंगे। हम बता दें कि विस्थापन आयोग का गठन हो चुका है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके। हम यहाँ पे सहमति की भी बात कर चुके हैं। उससे पहले हम बता दें कि कैबिनेट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशंसा को लेके मंत्री ने बताया कि आखिर आंगनबाड़ी सेविकाओं का क्या क्या काम होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेती हैं। इनके ऊपर जो नवजात शिशुओं और नर्सिंग माताओं की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है। यह पूरी बातें पहले वहां पे बताई गई हैं मंत्रिमंडल में, ताकि कैबिनेट को भी यह चीज़ पता होनी चाहिए कि कार्यकर्ता बहनों का काम छोटा सा या कम नहीं होता है, ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। बावजूद इसके उन बहनों की मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जाता। नवजात शिशुओं की नर्सिंग माताओं की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है और उन्होंने आगे बताया कि सेविका 6 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण का प्रबंधन करती है। आंगनबाड़ी सहायिकाएं आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण युक्त आहार तैयार करती हैं और उसको वितरित करती हैं या फिर बांटती हैं। बच्चों की साफ सफाई हो गई, शुद्ध पेयजल की जो है व्यवस्था भी करती हैं। वे छोटे बच्चों को लाने ले जाने में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की मदद करती हैं। तो इतनी तो चीज़ें बताई गई। इसके अलावा हालांकि अन्य भी चीज़ें हैं, हालांकि उनका जिक्र नहीं किया गया था। तो ज्ञापन में आपकी कौन कौन सी मांगें थी बहनों, पहले हम यह बता देते हैं, फिर कौन कौन सी मांगें इनमें से पूरी हो गई हैं यह भी हम आपको बता देते हैं। सरकारी शिक्षकों के समान ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का भी मानदेय वेतनमान के साथ सभी सुविधाओं की स्वीकृति देते हुए वार्षिक मानदेय वृद्धि की जटिलताओं को सरल किया जाए, ताकि समय पर वार्षिक मानदेय की वृद्धि में कोई परेशानी न हो। वार्षिक मानदेय की भी जो मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ज्ञापन में लिखी थी, पहली मांग यह थी। दूसरी मांग है बहनों की मानदेय का भुगतान केंद्रांश एवं राज्यांश मद की राशि के साथ ससमय हो, मतलब कि एकदम सही टाइम पे हो। मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय के स्वरूप आती है, वह समय के साथ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीने का मानदेय आप 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में दे रहे हो, ससमय आने चाहिए। इसके लिए समय पर भुगतान के लिए चक्रीय कोष की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी मांग थी बहनों कि रिटायरमेंट के बाद कार्यकर्ताओं को 10 लाख रुपए, जी हां, झारखंड रांची में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ज्ञापन में यह मांग सीधे तौर पे बोल दी गई है कि 10 लाख रुपए रिटायरमेंट पे कार्यकर्ताओं को चाहिए। सहायिकाओं को भी 5 लाख रुपए एकमुश्त सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट लाभ का भुगतान होना चाहिए, तथा मानदेय का 50% पेंशन के रूप में भुगतान की स्वीकृति दी जाए। मतलब जब कार्यकर्ता रिटायर होगी 63 से 65 वर्ष की उम्र में, तब जो उसका मानदेय रहेगा उसका आधा मानदेय जो है कि हर महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे बहनों मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 14,000 रुपये है, तो 14,000 का 50% जो रहेगा, मतलब उसका आधा यानी कि 7,000 रुपये हर महीने पेंशन के तौर पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन को मिलना चाहिए। चौथी मांग बहनों जो कि कैबिनेट में उठाई गई, कि महिला पर्यवेक्षिका के पद पे यानी कि महिला सुपरवाइजर के पद पर
100% वरीयता के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका की को ही पदोन्नति दी जाए। वरीयता के आधार पर से मतलब है बहनों अनुभव के आधार पर, मतलब जिन कार्यकर्ता बहनों को 10 साल 15 साल 20 साल या उससे ज़्यादा का आंगनबाड़ी का अनुभव है, कार्यकर्ता के पद पर हैं, तो उनको उस अनुभव के आधार पर महिला सुपरवाइजर की पोस्ट पर उनका प्रमोशन किया जाए, उनकी पदोन्नति की जाए। पांचवी मांग आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों को भी महंगाई एवं यात्रा भत्ता का भुगतान दिया जाए। मतलब कार्यकर्ता बहनें टीकाकरण में दूर जाती हैं, किसी भी काम के लिए बुलाया जाता है या मीटिंग के लिए उनको बुलाया जाता है तो किराया भाड़ा जो है कि कार्यकर्ता बहनों के अपने जेब का लगता है, तो भी यात्रा भत्ता वाला भैया जो पैसा है वह भी कार्यकर्ता बहनों को मिलना चाहिए, इसके लिए भी मांग ज्ञापन में सौंपी गई थी। इतना ही नहीं, सभी संविदा कर्मियों को नियमित करके, मतलब कि परमानेंट करके पूर्ण सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। मतलब सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए और उनको ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कब का निर्णय सुना चुकी है। छठवीं मांग थी बहनों की विभाग के कार्य संपादन के लिए, मतलब कि जो भी पोषण ट्रैकर ऑनलाइन है या संपर्क ऐप की चीज़ें हैं उनके संपादन के लिए ब्रांडेड कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट दिया जाए और साथ ही साथ रिचार्ज सहित आपूर्ति की जाए। मतलब रिचार्ज का पैसा भी सरकार दे या फिर सिम कार्ड सरकार दे जिसमें ऑटोमेटिक सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से ही रिचार्ज हो, और ज़्यादा स्पेस स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो है कि अच्छे कंपनी का मोबाइल या टैबलेट दिया जाए जिसपे कार्यकर्ता बहनें ऑनलाइन अपना डाटा फीडिंग का कार्य कर सकें। आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण आहार की राशि बाजार दर में उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि सरकारी दर से मिलती है पोषण की राशि, जिसके तहत उनको महंगा पड़ता है, उनको खुद बहनों घाटा लगता है। तो बहनों यही कुछ मुख्य मांगें थीं, जिसको लेकर आपके भी मन में कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ बहनों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप आंगनबाड़ी ग्रुप व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो बहनों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब बहनों कर लें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आंगनबाड़ी की अन्य मुख्य एवं और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बहनों नमस्कार।